गया सारा कुछ तैयार थे। हाँ जी खाना लग गया, चलो पीन का इंतजाम हो गया। हाँ कुड़ियों कितना का काम रह गया, छेती करो। माधुरी जल्दी जल्दी हाथ चला, आने वाले ने मेहमान। चलो जी हूँ ऑलमोस्ट सारे गिफ्ट रेडी हो गए, जिन्हें देने हुए आप ही दे देंगे। मुंह की खाई विच कुछ एहो जिहा धमाका करना पैना है जिस दे नाल बीजी नूं सैम तो नफरत हो जावे ते उन्हां नूं ए फील होवे कि उन्हां दी ये चॉइस बिल्कुल गलत है। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत बधाईयां तुहानूं। हां जी तुहानूं वी जी, बहुत बहुत बधाईयां जी। लवली जा ना सैम नू लेके आ। जी जी बाहर तो मैं कोई गड़बड़ कर नहीं सकती सारे दे सामने, पर बिना गड़बड़ कीते मेरे ढिड विच गड़बड़ हो जानी है। की करा की करा। इथे भी पुखराज नु लभ रही है, इतनी लेडीज का फंक्शन है, तेरी मुंह दिखाई है, इथे नहीं पुखराज लभना तेनू। चल आ जा। मनना पौगा बीजी, नो तो निरा चन का टुकड़ा है। भैन जी बाहर सारी गिफ्ट्स का वेट कर रहे ने ते इत्थे सब कुछ खराब हो गया, बाजी हुन मैं की करांगी। मेनू कुछ समझ नहीं आया मैं की करा, मेरे को एको ऑप्शन सीगा था मैं वो कर दिता। मेनू पता है मैं थोड़ा ज्यादा कर दिता, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं आई बीजी मेनू। चल दिखा। हाँ जी आई मैं बच्चा आकी। मैं तो समझ नहीं आ रही ये सब किते सारिया नूं पता ना चल जाए कि ये सब मैं किता है। बीजी रसोई दी हालत देख के तां लगदा है किसी जानवर दा काम है ये। ये किसी बिल्ली ने किता है। आ देखो निशान। हाँ हाँ लगदा है बिल्ली ने किता है। शाबाश सैम पुत्र, तू मौका संभाल लिया ते किसे नु कन्नो कन्न खबर भी नहीं होन दित्ती। नहीं ते अज लोकां दे सामने वालिया खानदान दी की इज्जत रहंदी। शाबाश सैम पुत्र, तेरे तो आही समझदारी दी उम्मीद सी। शाबाश, वेल डन बेटा, प्राउड ऑफ यू। तेरा सामान तेरे चाक ते निकाल लिखो, मेरी ते मेरी फैमिली दी जिंदगी तो।
क्यों जावा मैं? हाँ क्यों जावा मैं इस घर तू क्यों जावा जद इस घर च मेरे डबल हक ने। पहला ए घर मेरे नानकिया का, दूजा ए मेरे सोहरिया का घर। मैं घर छड़ के कदी नहीं जावांगी। हिम्मत देखो यदि इतनी गलती की है तो जबान लड़ा रही है। तू जाके फैमिली नु दसना, दस दे तू जिनू जो कहना है दस। मैं घर छड़ के नहीं जावांगी। हेलो जे मेनू दसना होंदा ना मैं कदों दा दस चुका होंदा। मेनू अपनी बीजी दी फिकर है, मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली हर्ट होए। इसलिए ना कल रात दा राज अपने दिल च छुपा के बैठा मैं। मैं नहीं चाहता तू मेरी फैमिली नू हर्ट करे। इस तो पहले निकल जा इत्थों। ते मैं भी तेनू कह चुकी हूँ, बार बार नहीं कहूंगी, एक बार होर कह दें दिया। मैं घर छड़ के नहीं जावांगी। और तू की बार बार रट्टा लाया होया मेरा घर मेरा घर मेरा घर। ए घर जिन्ना तेरा उन्ना ही मेरा है। मैं घर तू नहीं जावांगी, एक बार होर सुन ले। सुनिया कोलीन कितनी सोहनी चोड़ी लग रही। सही क्या तुसी बहुत सोहनी लग रही है। क्रिस सैम तो बिना यह घर कितना खाली खाली लग रहा है ना। सोचे ही नहीं सी कि असी अचानक अपने घर वापस आवांगे तो सैम अपने घर चली जाएगी। यकीन जहा नहीं हो रहा ना। यस गोलीन हुन ओ सैम दा अपना घर हो चुके। हाँ क्रिस असी जिन्नी मर्जी कोशिश कर दे असी चाह के भी सैम इस तो बेटर घर लग के नहीं सी दे सकते। सैम सौरे घर नहीं बल्कि अपने घर गई है। What's the matter, Gorleen? हुन ऐनी सैड क्यों हो गई? कुछ नहीं क्रिस मैनू बीजी ते घरदियां दा रिएक्शन याद आ रहा। जद मैं उन्हां सारियां दे लई अपने हत्थां नाल खीर बनाई सी। I just pray no one like no one ever should come to know that who is Sam. I can't let that happen now. ता ही साडी सैम खुश रह सकेगी अपने घर। नहीं तो सैम लई बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। You are right, Colleen. गुड मॉर्निंग पुखराज। पुखराज तेनू मेरी गल सुननी पैनी एंड आई प्रॉमिस ए मैं लास्ट टाइम कोशिश कर रही हूं। इस तू बाद मैं कभी ट्राई नहीं करांगी। पुखराज एदा चुप रह के या गुस्सा करके तो गल नहीं बनेगी ना। वी आर हस्बैंड वाइफ पुखराज। एटलीस्ट सानू समझदार लोगों की तरह आपस च मिल के गल करनी चाहिए और मैटर नू सॉर्ट आउट करना चाहिए। तू मेरी वाइफ नहीं है, इन्हें मैं विआह नहीं धोखा मानना। पुखराज वेट मेरी गल तो सुन, मैनू एक मौका तो दे। तेनू ना बहुत मौके देते, तू ना कुछ प्रूफ नहीं कर सकती। पुखराज हाँ पर प्लीज मेरी गल तो सुन ले। चुप, बिल्कुल चुप, मैं तेरी कोई गल नहीं सुननी। ये की है पुखराज इतनी जोर जोर से चीख रहे हैं, लड़ रहे ने? पुखराज प्लीज मेरी गल सुन। किदी गल सुना मैं? एक खूनी दी बेटी दी जिन्हें वास्ते झूठ बोलना धोखा देना गल्ला बनाना सब एक छोटी गल। इनफ इज इनफ पुखराज, तू बोलन तो पहला कुछ भी नहीं सोचता ना, कुछ भी बोल देता है ना। प्लीज मेरे मॉम डैड बारे कुछ ना कह, ए मैं टॉलरेट नहीं करांगी। तो ना कर टॉलरेट, किन्ने क्या टॉलरेट करने वास्ते जा ना फिर है खड़ी क्यों इत्थे। तेनू क्रिस्ते गुरलीन ने इस कार्च इस वास्ते भेजा ना ताकि तू वालिया खानदान का नाम खराब कर पाए, ताकि साड़ी प्रॉपर्टी खो ले, साड़ा बिजनेस बर्बाद कर दे, है ना?
एक मिनट रुक, तीनों ठीक कर लेंगे। प्यारी नूं दी पहली रसोई की तैयारी करके रखी हुई है। बाहरों आई सैम नूं की पता असली ते नकली खराब घिओ विच की फर्क हुंदा। विदेश विच उहनूं कहड़ा किसे ने कुछ सिखाया होना। हुण आऊगा असली मजा जदों नकली ते खराब घिओ विच बने हुए चौल सारे जाने खाणगे ते फिर थू थू करके उहदे सामने थुकणगे। फिर सैम की पहली रसोई आखिरी रसोई बन जानी। सैम, मैं तेरा इस घर विच जीना हराम कर देना है ते बीजी नू ए एहसास करवा के रहना है कि उन्होंने तेनों इस घर की नूह ते मेरे पुत्र की वाइफ बना के बड़ी वड्डी गलती की है ते बीजी की ए गलती मैं उन्होंने बार बार याद करवांदे रहना। बाबा जी, मेरे ते पुखराज विच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसनु दूर कर दो। मैं इत्थे जिहड़े मकसद करके आई हां अपनी मॉम ते बीजी नु मिलाउण लई, ओ उदो ही पूरा होवेगा जदों पुखराज मैनु समझेगा। बाबा जी प्लीज प्लीज कृपा कर दो। बाबा जी, जिन्ना जल्दी हो सके सैम इस घर तो बाहर निकल जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता सैम दी सच्चाई जानन तो बाद परिवार हर्ट होए, खासकर बीजी जो पहले ही ना बहुत सारा दर्द तो गुजर चुके हैं। इस बार नहीं, प्लीज बाबा जी मेहर करो। वाहेगुरु जी, इन दोनों बच्चों का साथ हमेशा बनिया रहे, ये हमेशा खुश रहन। तेरा लख लख शुक्राना है वाहेगुरु, मेरे घर की धी भी व्याई गई ते पुत भी, बस अपनी कृपा इसे तरह बनाई रखो। भाभी जी मैं फिर चलता। चंगा पुत्र, जल्दी मुड़ आई। हाँ जी, जा बाय पुखराज। आप आओ बीजी। चल सैम पुत्र, हुन आपा तेरी रसोई दी रस्म कर लिए, ठीक है ना बीजी? हाँ हाँ जाओ। वैसे की बनाने दा सोचे? ओ हो शरण, ओई जेडे हर बारी बंदे मिठे चौल, होर की बनाओगी? बनाएगी ना पुत्र चौल? हाँ जी आंटी जी। चला चलिए आजा। एला सैम पुत्र, आओ हुण सारा समान रेडी है, बस तू बनाना ही है। ठीक है सैम, पर असि तेरी हेल्प नहीं कर सकते, तेरी पहली रसोई है ना, तेनू आपे बनाना पैना है। कोई गल नहीं, मैं कर लांगी आंटी जी। ओ असि मदद नहीं कर सकते, बस असि देख पा सकते है ना। चल बना सैम। ठीक है। तुसी दोनों एक्चुअल से इत्थे रहोगे? हाँ। एक्चुअली ना मैं बहुत कॉन्शियस हो रही हूँ, तुसी जाओ, मैं बना के लेके आवांगी ना। चल ठीक है, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू आंटी जी। पर कुछ चाहिए होया ना तो तू बुला ली, ठीक है? हाँ जी पक्का। फाइनली सब डन, हूं मैं सर्व कर दिया। यस। लो जी, वेट इज ओवर फाइनली। हूं देखते हैं सैम अपनी पहली रसोई विच किन्ने परसेंट नाल पास होंदी है। पास नहीं, 100% फेल होगी। ते हुन शुरू होगी सैम दी इंसल्ट। पहला बाबा जी नु भोग लवाया, फिर सारे नु सर्व कर दे। हाँ जी बीजी, ठीक है। प्रेजेंटेशन तो बड़ी सोहनी लग रही। हाँ, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। जी, आज इस घर विच मेरी पहली रसोई सी, ते मैं मिठे चौल बनाए। बाबा जी, तुसी मेरा इस परिवार के सारे मेंबरां नाल रिश्ता एकदम मिठा ते गूढ़ा करना, मेरे ते इस परिवार ते हमेशा मेहर करना। जी, तो हाँ जी पुत्र। जी तुसी शुरू करो ना। हाँ। तुसी सारे भी टेस्ट करो और दसो कि हो जाए। किथे जान दी गल कर रही सी ये दोनों? एक पासे ता इन्ना दोना विच कुछ भी ठीक नहीं, ते दूजे पासे घूमन जान दी गल। किथे ए हनीमून ते जान दी गल ता नहीं कर रहे? बनी ओ कह रही सी तू हूने? सैम ते फुकराजदा हनीमून? नहीं नहीं, मैं ता बस कुछ होर ही सोच रही सी। ते बानी एदे च गलत भी की है? आपां ता सोचे ही नहीं सैम ते फुकराजदे हनीमून दा। चलो वधिया, तू याद कराता। हुण करदे आं बिजनेस सलाह ते फिर कुछ वधिया जिहा प्लान करदे आपां। मैं ता बस एवें सोचे ही सी, इह ता सीरियस ही लै के मूहों कोई गल कढ़णा ही माड़ा है मेरे लई। गुरबख्श जी, हले नवा नवा विआह होया इन्हां दोनों दा, ते ए सब करन दी लोड़ नहीं। फालतू खर्चे। फालतू खर्चे जे अपा बच्चियां दी खुशी ना पूरी कीती ते फिर होर की दी करनी है? नाले कमाने भी ता बच्चियां वास्ते ही आ। मैं एक बार कहता ना, ए सब करन दी लोड़ नहीं। बाणी, एदा क्यों रिएक्ट कर रही है तू? किहो जी मां है तू जड़ी अपने बच्चियां दा ना सोच के होर ही फालतू दी गल्लां सोची जानी है? बाणी तू खुश नहीं ना सैम ते पुखराज दी मैरिज तो? तेनू हजे भी प्रॉब्लम है ना सैम तो? सैम पुखराज दी वाइफ बन चुकी है ते मेरी नू भला मेनू की प्रॉब्लम हो सकती है? नाले हर मां अपने बच्चियां दा भला सोचती है, उन्हां दा चंगा मंगदी है, ते मैं भी यही कर रही हूं। बाणी दे रिएक्शंस नू ना इग्नोर करना ही ठीक है, एदा कुछ नहीं पता लगदा कदों की सोचन लग जावे। पर जांदी जांदी एक सलाह वधिया देगी पुखराज ते सैम दे हनीमून दी। चलो कर दिया कुछ प्लान। मैंने तो आज तक मेरे फेवरेट सैंडविच बने, मैं तो खा रहा। रुक जा रुक जा, पुखराज नु आ लेंदे फिर शुरू कर दे। ओ बीजी आने वाला है। सैम, पुखराज किथे? खबर है तेनु कोई? ओदी वाइफ है ना तू, ओदी घटो घट तेन इना ते पता होना चाहिए ना कि तेरा पति किस टाइम किथे हुंदा। बाणी की होया तेन? थोड़ा आराम नाल तुसी ता चुप ही रहो। लाडली नूं दी साइड लैना
बंद करो। वाणी बस बहुत हो गया। मन्या सैम पुखराज की पत्नी है, पर एदा मतलब ये नहीं कि हर वेले वो पुखराज नू पल्ले ना बन के घूमती फिरू। उदा हर वेले ध्यान रखू कि वो किथे गया, कदों गया। पर बीजी चलो लगते हाथ हम सारे वास्ते चाह भी बना दें। चाह बना रही है बानी? हाँ क्यों ना बनावा? नहीं नहीं बना बना। अच्छा मैं ये कह रही थी कि अमन वास्ते ना बनाई, मैं उदे वास्ते प्रोटीन शेक बना रही हूँ। दूध कित्थे है बानी? फ्रिज विच ही होना। एक ही फ्रिज दी लाइट नहीं जग रही, फ्रिज बंद है या खराब होया है? पता नहीं, मैं ता चाह बनाने च बिजी हाँ, ते चाह दा टाइम भी हो रहा, सारे जने वेट कर रहे होने हैं। तू ऐदा कर किसे मकैनिक नू बुला के ना फ्रिज दिखा ला, नहीं ता फ्रिज दा सारा समान खराब हो जाना। हाँ ऐदा कर दिया, मैं पहले सारा समान काट के फ्रिज खाली कर दिनी हूँ। सैम? हाँ जी आंटी जी। पुत्र गल सुनी एक मिनट। हाँ जी हाँ जी आंटी जी। सैम पुत्र मेरी एक हेल्प करेंगी, मैं ना अमन लिए प्रोटीन शेक बनाना है, तू फ्रिज खाली कर दे पुत्र। सैम नू इत्थे बुला के लवली ने मेरा अद्धा काम ते करता, हुन खुद इत्थों चली जावे तो मेरा बाकी दा काम भी हो जाएगा। चल सैम पुत्र, मैं अमन नू प्रोटीन शेक दिनी है ते मैकेनिक नू भी फोन कर लेनी है। वैसे तो फ्रिज ऑलमोस्ट खाली हो गया, तेनू बंद करके रख। हाँ बस ए पोर्शन रह रहा, कर दिया मैं। ए मौका है बानी, कर अपना काम स्टार्ट। ले तेरी चाह, काम कर दे कर देना, पी ले पुत्र, कितना ठंडी ना हो जाए। अच्छा थैंक यू मम्मी जी। ठीक है हुण मेरा काम हो जाऊगा। जदों तक मैं सारिया नू चाह दे के आना ते मेरे आन तक सैम ने बेहोश हो जाना है। टेस्ट कुछ अजीब जा लग रहा। तुसी भी ना अजकल निक्की निक्की गल दी टेंशन लेन लगे, विधि इत्थी होनी है, सैमू ने किथे जाना? परम पुत्र जा जरा बाहर जाके देख क्या। चलो ठीक है बीजी, मैं बाहर देखता। ओ पापा जी, जब बाहर जाओगी दस के जाओगी ना, अब फिर भी तुसी जाने से चेक कर लो, मैं प्रीत दे रूम में जाके चेक करता, उन्होंने अपना सामान चकना से उठो। चल इतना कर बीजी, मैं टेरेस पे देख के आना। हां जा पुत्र। अचानक किथे चले गई सैम, घर च भी नजर नहीं आ रही। अजकल दे बच्चियां दा भी कुछ पता नहीं लगता कि केड़े वेले की कर दें। पता नहीं रब केड़े रंगा विच राजी। की होया बीजी? पुत्र तू सैम नु देखिया किते? तेरे कमरे च है? नहीं बीजी, सैम रूम च तो नहीं हैगी, इत्थे किथे होएगी, घर च। बीजी सैम रूम च तो नहीं है। बीजी वो तो बाहर भी नहीं, ना उन्हें अंदरों बाहर जाते नु किसी ने देखा? टेरिस ते भी मैं देखा आया, उठे भी किते नहीं हो। ये कही किते कुड़ी? किते वो घर छड़ के तो नहीं चलेगी? आज
आए फ्रिज। लगता मैडम जी की मोटर बिल्कुल सड़ चुकी है ते गैस भी खत्म हो गई है। इनू शॉप ते ले जाना पैना है और इतना बिना दसे किसी नू छात नहीं सकती। आज किवें चलेगी? मेरा काम बिना किसी गड़बड़ तो हो जाना चाहिए। तुसी बस उन्हें फ्रिज में ही लॉक कर दो। मेरे बंदे आएंगे मैकेनिक बन के ते उन्हें फ्रिज दे नाल नाल तुहाडी प्रॉब्लम दी जड़ सैम नू जाके ले जाएंगे। ते एक गल मेरी होर सुनो, मेरे प्लान दा किसी नू भी कन्नो कन खबर नहीं होनी चाहिए। उहदी गारंटी मैं लैना। वैसे तो यह चंगा भला सी पर पता नहीं इन्हू अचानक की हो गया। देखो पाजी तुसी ना इन्हू जो भी एदे च प्रॉब्लम है ना वो रिपेयर कर दो। बस ध्यान रखना काम ना तसल्ली बख्श होना चाहिए ते थोड़ा जल्दी ठीक कर देना। तुसी बेफिक्र हो जी, काम तसल्ली बख्श होगा। किसी ने फोन किया उन्हू? नहीं पुत्र फोन तो नहीं लाया। मैं फोन ला के देख। आवाज तो इतने कितने आ रही है? आवाज तो इतनी आ रही। दफो सैम का फोन कितने? किडनैपिंग नाल मैटर नू अपराधजनक क्यों करना? नाले इहदे च रिस्क भी बहुत है। जद कि इनू एक एक्सीडेंट भी बनाया जा सकता है। फिर एक एक्सीडेंट क्यों? इन्नी एक्सीडेंट करावांगा कि सैम वालिया हो छड़ के खुद ही नट जाए। ते नाले यह भी हो सकता है इहदे मां प्यो जिहड़े व्याह च नहीं आए क्यों इन्हू दुखी वेख के आ जान कि इन्हू नाल ले जान। आइडिया तो अड़ा वधिया है पाजी, पर पाजी तुसी मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं भी सैम ते पुखराज विच फर्क देख रहे हैं। तुसी ता फिर भी माओ, तुसी उदा बुरा थोड़ा चाहोगे। तुसी जो भी उदे बारे सोचोगे चंगा ही सोचोगे, इसलिए मैं तुहाडे नाल आ। बाकी पता नहीं रब केड़े रंगा विच राजी। चलो एटलीस्ट किसी ने तो मेनू समझिया, नहीं तो इस घर विच किसी नू मेरी फीलिंग्स दी कोई कदर नहीं। तुसी ते बस देखदे जाओ पाजी जी, मैं तुहाडा काम इन्नी सफाई नाल करांगा किसे नू कन्नो कन खबर होंदी दूर दी गल शक भी नहीं होना। फिलहाल तो सानू इन्हां नू हनीमून ते जान तो रोकना पैना है, जिदे करके सारा मैं प्लान बनाया सी सैम नू किडनैप करवाउण दा। चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मेनू सैम दी लत बाहीं क्यों ना तोड़वानी पवे, पर मैं उन्हू अपने पुत्र दे नाल हनीमून ते नहीं जान देना। बानी पापी नू मोरा बना के सैम नू मैं इन्ना तंग करांगा कि गुरलीन इत्थे आण लई मजबूर हो जाए।